Hello everyone, in this video I'm going to cover your present perfect tense. This is your third category of the present tense. First of all, I request you all to subscribe my channel, to press the like button and press the bell icon to get the notification of my upcoming videos. So let us discuss present perfect tense. First of all, I want to tell you rule. Its rule is has, have plus third form. That means I always give you example of go form. Go ki second form kya hoti hai? Went. To iske third form kya hoti hai? Gone. So this one is your third form. Go, went, gone. So now question is where we will use has and where we will use have. Now I'm going to tell you I, you, we, they. आई यू वी दे, इन सबके साथ आप क्या यूज़ करोगे? हैव. जो आपके हैं ही, शी, इट, इनके साथ आप क्या यूज़ करोगे? हैज़. तो यहाँ पे देखिए, जो शॉर्ट में ऐसे ऑस्ट्रॉफी डाल के बी डाला है तो इसका मतलब क्या है? हैव. जो ऑस्ट्रॉफी डाल के ऐसे डाला है इसका मतलब क्या है? हैज़. तो ऐसे हम ऑस्ट्रॉफी डाल के सेम लाइक इज़ भी राइट करते हैं, सेम लाइक हैज़ भी राइट करते हैं. इसकी पहचान कैसे होगी? यहाँ पे थर्ड फॉर्म से पहचान होगी आपकी. तो हैव है जो, हैव के पीछे भी थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन हैव तो डलता ही है, कैसे ही है. नेक्स्ट देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब. जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट को इंटरोगेटिव में बनाते हो तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है? पहले आप हैज़ या हैव लगाते हो, फिर सब्जेक्ट लगाते हो, फिर आपका पास्ट पार्टिसिपल दैट मीन्स थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो, फिर क्या यूज़ करते हो? क्वेश्चन मार्क. तो ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या हैं जो आपका हैज़ और हैव का यूज़ है? आपको बताया हैव कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है. आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ क्या लगेगा? हैव. ही, शी, इट, इसके साथ क्या लगना है आपका? हैज़. तो ये पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आप यूज़ कर रहे हो. और एंड पे क्या आता है आपका? क्वेश्चन मार्क. किस सेंटेंस की बात है ये हमारी? प्रेजेंट परफेक्ट जो हम इंटरोगेटिव में बनाते हैं. तो नेक्स्ट चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका यूज़ कहाँ पे होता है? बी फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद हैज़, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हैज़, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल दैट मीन्स थर्ड फॉर्म. इससे आपकी फॉर्मेशन होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या यूज़ होगा आपका? हैव. ही, शी, इट, इसके साथ क्या यूज़ होगा आपका? हैज़. जोहन क्या है? किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, किसी भी पर्सन का नेम है. तो आप उसको जोहन को क्या करोगे? सिंगुलर के साथ आप हैज़ लगाओगे, प्लूरल के साथ आप क्या लगाते हो? हैव लगाते हो. तो ईटन, ये क्या है आपकी पास्ट पार्टिसिपल, दैट मीन्स थर्ड फॉर्म है ये आपकी. एन एप्पल, दिस इज योर, यू कैन से इट्स सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट. नेक्स्ट चलिए, इरेगुलर वर्ब्स. कुछ आपकी इरेगुलर वर्ब्स होती हैं जो मतलब कि रेगुलर तरीके से फॉर्म नहीं होती. रेगुलर कौन सी होती है? जिनके पीछे हम ई डी लगा के फॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे देखिए, डू, डिड, डन. बी, बी की फॉर्म मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में ही बनाई थी. अगर प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हो उसकी फॉर्म सेकेंड क्या होती है? इज, एम, आर. लेकिन यहाँ पे इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? वाज और बर, पास्ट टेंस में. थर्ड फॉर्म सेम रहती है, बीन. राइट, रोट, रिटन. ईट, एट, ईटन. ड्रॉ, ड्र्यू, ड्रॉन. ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी कुछ इरेगुलर वर्ब. जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उसके पीछे आप सिंपली ई डी लगाते हो तो आपकी फॉर्म बन जाती है. सो नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. जो इसका मेन है, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे क्या हैं आपके? सब्जेक्ट हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ आप क्या यूज़ करोगे? हैव. ही, शी, इट, इनके साथ क्या यूज़ होगा आपका? हैज़. फिर आपकी मेन वर्ब आती है. मेन वर्ब क्या है? जो आपकी मेन वर्ब है उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करनी है आपने, जो क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है. और एंड पे आप क्या लगाते हो? उसका ऑब्जेक्ट लगाते हो. नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसका रूल मैंने आपको जैसे कि बताया, हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म. एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट. जो एक्टिविटी आपकी पास्ट में स्टार्ट हुई और कंटिन्यूटी में है अभी प्रेजेंट में, उसके लिए आप ये टेंस यूज़ करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसका मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं वह अपना काम ख़त्म कर चुका है, वह अपना काम ख़त्म कर चुकी थी, चुकी
है। तो यहाँ पे देखिए, एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, मतलब उसने पास्ट में अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू एट द प्रेजेंट, प्रेजेंट में उसका काम क्या हुआ, ख़त्म हुआ है। और अगर पंजाबी की बात करते हो, उसमें क्या है, चुका है और चुकी है, ऐसे वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं, इस टेंस की पहचान है। जी, पास्ट टेंस में जो स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में जो चल रहा है, फ्यूचर तक जो जाने वाला एक्शन है। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे आई हैव सीन, आई के साथ क्या यूज़ होता हैव, थर्ड क्या है आपकी, सीन क्या है आपकी, थर्ड फॉर्म। आई के साथ हैव, मेट आपकी थर्ड फॉर्म, देयर के साथ हैव, तो बीन आपकी क्या है, थर्ड फॉर्म। पीपल के साथ हैव, प्लूरल के साथ हैव लगता है, और सिंगुलर के साथ आपका क्या लगता है, हैज़। तो यहाँ पे देखिए, ट्रेवल्ड आपकी थर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट हैव नॉट ट्रेवल्ड, सेम ही है आपका, बस नेगेटिव आ गया यहाँ पे। हैव अगर क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो हैव को आगे निकालोगे, रीड फॉर्म लगेगी, एंड पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। नोबडी, इट्स अ सिंगुलर, यहाँ पे हैज़ आ गया, क्लेम्ड। नेक्स्ट देखिए, अगर क्वेश्चन वर्ड में यूज़ करना हैज़ बीन, आपकी थर्ड फॉर्म है। अगर इसका अफर्मेटिव रिप्लाई कर रहे हैं हैज़ बीन, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे क्लेम्ड है, ट्रेवल्ड है, ये ऐसी फॉर्म्स हैं जो कौन सी होती है, रेगुलर होती हैं, जिनके पीछे हम सिंपली क्या लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं इनकी फॉर्मेशन के लिए। इरेगुलर वर्ब्स मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ। प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, देखिए इसमें हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस, जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कैसे यूज़ करते हैं, नेगेटिव में कैसे यूज़ करते हैं, और इंटरोगेटिव में कैसे यूज़ करते हैं। इन द केस ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल, द थर्ड पर्सन प्लूरल है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड, है प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हम इस केस में। इन द केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ हमारा यूज़ होता है। पर्सन आपको फिर से बता दूं, जैसे मैं बोल रही हूँ आई मी माई माइन, तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। आप लोग सुन रही हो यू यू ए यूएस, ये क्या है, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है, ही शी इट, तो आपको बताया ये मैंने, जो ही शी इट है, जो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ही शी इट के साथ हैज़ यूज़ करते हैं। इन द केस ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल हैव नॉट थर्ड फॉर्म प्लस यूज, तो अब इसमें क्या यूज़ करते हैं, हैव नॉट, जो हम यहाँ पे हैव यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव नॉट। अगर यहाँ पे हैज़ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैज़ नॉट। हैव ओ हैव इज़, हैज़ ओ हैव इज़ यूज बिफोर द सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन ऑफ द वर्ब, इंटरोगेटिव साइन इज यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। हैज़ और हैव को आप आगे निकाल लेते हो, एंड पे इंटरोगेटिव साइन लगा देते हो, बीच में आपका क्या आ जाता है, पूरा सेंटेंस आ जाता है। तो आगे देखिए, प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, जो रेस्ट ऑफ द स्टोरी, रिमेंबर देयर आर द टू प्राइमरी रीजन टू यूज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जो टेंस है, इसको यूज़ करने के टू रीजन्स हैं हमारे पास। पहला रीज़न देखिए क्या है, टू टॉक अबाउट द कम्प्लीटेड पास्ट एक्शन, जो पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुए थे और वो कम्प्लीट हो चुके हैं, एट द नॉन स्पेसिफिक टाइम, उसका कोई टाइम नहीं है कि कब वो ख़त्म हुए हैं। द एक्शन इज़ फिनिश्ड, बट एक्शन है जो फिनिश हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया कि वह अपना काम ख़त्म कर चुका है, तो एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अब ख़त्म हो चुका है। यू डोंट नो, केयर और रिमेंबर वट वैन इट हैपन्ड, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक्शन कब हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव रीड द बुक बिफोर, मैं ये बुक पहले पढ़ चुका हूँ, तो आई हैव रीड द बुक, बस वो बुक पढ़ चुका है, आपको मैटर यहाँ तक करता है कि बिफोर कब उसने पढ़ी, ये मैटर नहीं करता। आई हैव रीड, दिस इज़ अ परफेक्ट टेंस, इसने पहले प्रेजेंट में एक्शन स्टार्ट हुआ था और पास्ट में, मतलब अब आके पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट में आके कभी भी एक्शन ख़त्म हो चुका है। शी हैज़ ऑलरेडी डन हर होमवर्क, तो इसमें क्या है कि वो अपना काम ख़त्म कर चुकी है, तो ये भी क्या है, काम ख़त्म हो चुका है। आगे देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है, विद द वर्ड्स फॉर एंड सिंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट बिगेन इन द पास्ट और कंटिन्यूज टू नाउ, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अब तक कंटिन्यूटी में है। आई हैव स्टडीड एट द स्कूल सिंस लास्ट जून, आई हैव स्टडीड, देखो मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, कब तक, वो यहाँ पे फॉर और सिंस के साथ मेंशन है। शी हैज़ लिव्ड इन द पालम बिगेन बिफोर द टू मंथ, सो ये भी क्या है आपका, पास्ट टेंस यूज़ हुआ है यहाँ पे भी, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। आगे देखिए, जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो आपके पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव जो आपके नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव जो आपके क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस होते हैं, तो इसका फॉर्मेट क्या रहता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका हैज़ या हैव यूज़ होगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल दैट मीन्स थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट क्या है, आई, हमने यहाँ पे लगाया आई के साथ हैव, फिर इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ट्राइड, फिर उसके बाद क्या है,
आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, पहले हैज़ और हैव, फिर सॉरी पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव, फिर क्या लगाते हैं हम नॉट, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल जो हमारी क्या होती है थर्ड फॉर्म होती है। जैसे आई हैव नॉट, क्योंकि नेगेटिव हम नॉट लगाएंगे, ट्राइड, तो ये आपका पीछे क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट आ जाता है। इफ़ वी आर मेकिंग इंटेरोगेटिव तो आप क्या करोगे, हैज़ और हैव को आगे निकालोगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर पास्ट पार्टिसिपल, पहले हमने लगाया हैव, फिर यू यूज़ किया, फिर ट्राइड आपकी जो थर्ड फॉर्म है, फिर आपका पीछे क्या है ये ऑब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो, उसका हाउ लॉन्ग के साथ फिनिश टाइम वर्ड्स के साथ क्या यूज़ है। देखिए, हाउ लॉन्ग, आई हैव नोन करेन सिंस दिस वन ईयर, शी इज़ लिविंग इन लंदन फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ शी हैज़ लिव्ड, हैव नोन, तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग, कितने लंबे टाइम से आप उसको जानते हो, 3 साल से जब से वो लंदन में रह रही है। यूज़ विद सिंस 2010, सिंस जो लाइफ, सिंस फॉर 10 ईयर्स, सिंस फॉर 3 ईयर्स, ये क्या है, आप इसके साथ सिंस का यूज़ कर सकते हो। अनफिनिश्ड टाइम वर्ड, जो टाइम वर्ड आपके फिनिश नहीं हुए हैं अभी, यू हैव नॉट सीन हर दिस मंथ, आपने उसको इस महीने नहीं देखा। विद यू यूज़ विद दिस वीक, टूडे, दिस मंथ, दिस ईयर, आप इसके साथ इसको यूज़ कर सकते हो। प्रेजेंट रिजल्ट क्या है, आई हैव लॉस्ट माई कीज़, सो आई कांट गेट इन टू द हाउस, वो अपनी कीज़ गुम कर चुका है, दिस इज़ द प्रेजेंट रिजल्ट। लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, आई हैव बीन टू टोक्यो, वो टोक्यो गया है पहले, एवर और नेवर के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। न्यूज़ और रिसेंट इवेंट्स क्या हैं, द क्वीन हैज़ गिवन अ स्पीच, तो आप इसको जस्ट ऑलरेडी एट या रिसेंटली के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो, इसका रोल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हैज़ है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, दैट मीन्स थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। यहाँ पे देखिए, जोहन हैज़ स्टार्टेड हिज वर्क, जोहन क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो हम सिंगुलर पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, हैज़। दे के साथ आपको ऑलरेडी पता है क्या लगना है, हैव। फिक्स द प्रॉब्लम विंडो, एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट एंड माइट कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, जो पास्ट में एक्टिविटी स्टार्ट हुई है और कंटिन्यूटी है उसकी, मे बी कहाँ पे है, प्रेजेंट में, दैट मीन्स प्रेजेंट तक वो एक्शन आपका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस है, देखिए पहले एक एग्जांपल देती हूँ, बाकी आप खुद से लर्न कर लेना। आई हैव सीन, तो आई हैव नॉट सीन, हैव यू सीन, तो ये आपके क्वेश्चन वर्ड बनते हैं। आई हैव सीन, आई हैव नॉट सीन, हैव यू सीन, यू हैव सीन, यू हैव नॉट सीन, हैव यू सीन, शी हैज सीन, ही हैज सीन, ही हैज़ नॉट सीन, हैज़ ही सीन, तो इस तरीके से आपके सारे सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव में हैज़ और हैव के बाद आप क्या लगा देते हो, उसमें नॉट लगा देते हो। जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, हैज़ और हैव को आगे निकाल लेते हो, एंड पे क्या लगा देते हो, क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ आपका हैव यूज़ होगा, ही, शी, इट के साथ आपका हैज़ यूज़ होगा। जो आपकी मेन वर्ब है वो कौन सी रहेगी, आपकी पास्ट पार्टिसिपल, जो कि आपकी कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखिए, जो आपके पॉजिटिव और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसके एग्जांपल के साथ इसका यूज़ है, यहाँ पे आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हैज़ हैव आता है, फिर थर्ड फॉर्म आती है। और जो आपके नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ हैव प्लस नॉट आता है, फिर उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म आती है। और जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, हैज़ हैव को आगे निकाल लेते हो, फिर सब्जेक्ट लगाते हो, फिर पास्ट पार्टिसिपल लगाते हो। तो इसका यूसेज कहाँ पे है, इसको यूज़ कहाँ पे करते हो, विद एग्जांपल, टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ, जो आप चीज़ें अपनी लाइफ में कर चुके हो, लाइक शी हैज़ नेवर स्टडीड जापानीज़, उसने जापानीज़ कभी नहीं पढ़ी है, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, लाइफ टाइम की थिंग्स के लिए आप इसको यूज़ करोगे। टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ टाइम यू हैव डन समथिंग, कितने नंबर ऑफ टाइम आप किसी चीज़ को कर चुके हो, लाइक हाउ मैनी टाइम्स हैव यू ट्राइड टू कॉल हर, आपने उसको कितने बार कॉल करने की कोशिश की है। टू डिस्क्राइब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन विच आर इम्पोर्टेंट नाउ, जो अभी अभी एक्शन आपके कंप्लीट हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं। आई हैड सम बैड न्यूज़, आई हैव लॉस्ट माई जॉब, उसके लिए बैड न्यूज़ क्या है, उसकी जॉब आपकी उसकी जॉब क्या है, लॉस्ट हो चुकी है। तो इसमें क्या है, कंप्लीटेड एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुए हैं। टू एक्सप्रेस सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल ट्रू, और अभी तक जो सिचुएशन ट्रू है और जो पास्ट में आपकी स्टार्ट हुई थी, लाइक आई हैव नोन जेम्स फॉर 4 to 5 years,
टू डिस्क्राइब अनफिनिश्ड एक्शन और सिचुएशन, जो आपके एक्शन अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, जैसे आई हैव रीड हाफ ऑफ माई बुक, आधी बुक पढ़ी है उसका एक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। टू एक्सप्रेस द प्रेजेंट रिजल्ट, जो प्रेजेंट रिजल्ट है आपको उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जोहन हैज़ मिस द बस, ही विल बी लेटर, तो जोहन की बस है जो मिस हो चुकी है, इसका क्या है, प्रेजेंट रिजल्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन इवेंट, वो उन इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दैट हैज़ स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में आपकी स्टार्ट हो चुकी है, एंड इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट इज़ नाउ कंटिन्यूइंग, जो इसका इम्पैक्ट है अभी भी पड़ रहा है, और लॉन्ग रनिंग इवेंट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी, एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, और अभी तक चल रही हैं। द टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्शन कम्प्लीटेड सेंट पास्ट, जो आपके अभी अभी पास्ट में, मतलब कुछ टाइम पहले ही आपका एक्शन जो कंप्लीट हुआ है उसके लिए आप इसको यूज़ करते हो। फिर से वही सेम थिंग है कि आप इसमें जो पॉजिटिव है उसके बाद आप नेगेटिव में नॉट ऐड कर देते हो, इंटरोगेटिव में हैज़ हैव को आगे निकाल के एंड पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हो। सेम एग्जांपल्स हैं आपकी। नेक्स्ट देखिए, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पॉजिटिव में आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को पहले रखना है, फिर हैज़ हैव लगाना है, फिर पास्ट पार्टिसिपल। नेगेटिव में सब्जेक्ट को पहले रखना है, हैज़ हैव लगाना है, फिर पास्ट पार्टिसिपल, और नॉट ऐड करना है यहाँ पे। तो इंटरोगेटिव में हैज़ हैव को आगे निकालोगे, सब्जेक्ट लगाओगे, फिर पास्ट पार्टिसिपल लगाओगे। तो नेक्स्ट देखिए, आपके विद एग्जांपल यूज़ दिया है मैंने यहाँ पे, देखो आई हैव ट्राइड सुशी, आई हैव नॉट ट्राइड सुशी, हैव यू ट्राइड सुशी। तो नेक्स्ट देखिए, जो आपकी ये एग्जांपल्स हैं इनसे आपको समझ आ चुका होगा कि आपने क्या करना है, इंटरोगेटिव में क्या लगाना है, पॉजिटिव में क्या लगाना है। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, आपका जो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आई रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गिव मी अ सपोर्ट। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।